भाई साहब मैं अभी रुका हूँ, ये कौन सा जगह जी? पानीपत नांगल हेड़ी। पानीपत नांगल हेड़ी। और भाई साहब बोलते कि पहले अब चाय पियो, तो सबसे सारे भाई से बात करेंगे। ठीक है जी। हेलो, चाय लो जी पहले। नमस्कार जी, राम राम। भाई साहब वहीं आ जाओ। राम राम। लगारा टीवी वेख रहा कैनेडा की समूह साध संगत नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। आप कुछ हरियाणवी वीरां दे विच जे किसान अंदोलन की गल करिए, तो किसान अंदोलन सारियां बाउंडरियां तोड़दे हुए सारे धर्म के वखरेवे छड्डदे हुए इस वेले हर जात हर स्टेट वध चढ़ के हिस्सा लै रही है। आप गल करते हो अपने कुछ हरियाणवी वीर जिन्होंने लजीटी रोड उत्ते लंगर लाया हो। राम राम जी सारे भाइयों ने। आप लोगों का पूरा साथ मिल रहा है वहाँ दिल्ली बॉर्डर पे भी, जितने भी इलाके लगे हुए टिगरी पे भी, इधर सिंघू बॉर्डर पे भी, और आज यहाँ देखा कि आप सब भाई यहाँ भी लंगर की सेवा में भी डटे हुए हैं। तो भाई साहब दो शब्द क्या कहना चाहोगे आंदोलन के बारे में? जी हम है ना पंजाब वाले के साथ, क्या पूरे देश के साथ है। जब तक तीनों काले कानून वापिस नहीं लिए जाते हम ऐसे ही डटे खड़े रहेंगे, हड़ेंगे भी लड़ेंगे भी, ठीक है ना। निस्वार्थ भाव से हम ऐसे ही सेवा करते रहेंगे, ऐसे ही सरकार के नाक में दम करके रखेंगे। तो इनका कहना है कि ये सरकार की नाक में दम यूं ही करते रहेंगे जब तक बिल वापस नहीं होते। राम राम दाऊ जी, अपनी बात छोरी है बबीता फोगाट, वह कह रही थी कि किसाना की समझ में को नहीं आया या बिल कति किसाना के हक में है, क्या कहना चाहोगे? छोरी के समझ में नहीं आया, मन लग गया छोरी ने नहीं बेरा, उन्हें बेचारी क्या बेरा, वो सारी खेलन में ध्यान रहो उसका है, जिनसे रात दिन पानी चलाओ सारा काम करें, अपने सारे भाइयों की यहाँ सेवा करना है रहे, ये सारे बुजुर्ग भी मारे हैं, तो हमने तो अपनी सारे बुजुर्ग ये जो हमारे सरदार भाई जी हैं पंजाब से हैं सारे ही हैं, उसमें सब हैं हिंदू मुस्लिम सिख सब ही हैं, हम उन सब की सेवा कर रहे हैं जी, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं यहाँ। अब गांव नांगल खेड़ी के सारे भाई हमारे सबका सहयोग है, पूरे गांव का सहयोग है जी हमारे गांव का। तो मतलब उसका बयान सिर्फ राजनीति से प्रेरित है और कुछ नहीं है? उन्हें पता ही नहीं क्यों कद कुआं कद कटे हैं, उन्हें बेरा ही नहीं। हाँ हाँ, उसने तो मैन से बीजेपी की टिकट से इलेक्शन लड़ा जी, वो तो बीजेपी की कार्यकर्ता है, कैंडिडेट थी वो पिछली बार। तो आपका कहना है उनके बयान को बिल्कुल सीरियस नहीं लेना चाहिए? हम किसान, हम किसी पार्टी से कोई नहीं, खाली हरियाणा पंजाब को एमएसपी का पता है, बाकी किसी स्टेट को नहीं पता, किसी को भी यूपी का। अभी हमारे यहाँ पूरा जीरी पूरा गेहूं 50% बिका, 50 वही बेचारे साल भर में बेचे, उसको कभी एक क्विंटल बेच दिया, कभी दो, कोई 1000 में बेच दिया, कोई 1200 में, पूरा मेरे यहाँ पर हरियाणा पंजाब में, बाकी किसी स्टेट में एमएसपी नहीं है। जो हरियाणा पंजाब में है इसको भी खोना चाह रहे हैं, बाकी और किसानों को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। और जैसे आप बबीता फोगाट के बारे में कह रहे थे, हम मंडी में हम जाओ जमींदार माँ बाप उसके भाई बहन जाओ, खुद वो नहीं जानती, वो राजनीति में जाओ, उसको राजनीति का पता है, मंडी का हमारे को पता हमारे क्या दुर्दशा है। मैंने 11-21 जीरी 2021 रुपए बेची है, मैं अभी कंधे को 2 मिनट में पर्चा दे देता हूँ आपको, अब जीरी वो 3500 बिक्री, 2000 रुपए बेची मैंने 11-21 किसानों की तो बिक्री। हाँ जी हाँ, और जब एमएसपी नहीं रहोगा, जो 1888 रुपए मैंने बेची एक महीने में पूरे में मेरी पेमेंट आई है, एमएसपी नहीं रहोगा तो मेरी 800 भी कहेगी वो बर्बाद, जैसे और स्टेटा बर्बाद हो रही। यूपी से गन्ना छिलाई में हमारे पास लेबर आवे, वो जमींदार हैं, वो लेबर नहीं है, जमीन है उनकी अपनी, उन पे वहां पे भाव नहीं मिलते, तब मेरे यहाँ बिहार से जीरी लगाने में जीरी काटने में हरियाणा में पंजाब में बिहारी आवे, वो अपने 2-5 बीघे की काट कर रख कर जब यहाँ पे आवे, वो ऐसे ही हम हो जाएंगे, हमारे को भी दूसरी स्टेट में जाना पड़ेगा, दूसरे देश में जाना पड़ेगा, हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे जी। अगर दुष्यंत चौटाला अजय चौटाला और जजपा जेजेपी की बात करी जाए तो हरियाणा वालों ने उनको भरपूर प्यार दिया, काफी सीटें दी, उनको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन दुष्यंत चौटाला हरियाणा किसान के साथ बिल्कुल नहीं, किसान के साथ नहीं है जी, वो गवर्नमेंट के साथ है, व्यापारियों के साथ है, किसान के साथ नहीं है कोई भी, चोरों का सरदार, चोरों का बिल्कुल चोरों का सरदार है वो। दुष्यंत चौटाला के बारे, दुष्यंत चौटाला तो खट्टर की बहू बन गया, वो देवीलाल का पोता कोनी, देवीलाल के पोते का तो अलग
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उनका लड़का, वो तो नहीं जानते उसके पास। ये तो सारे के सारे गद्दार हो रहे किसाना के नाम पर। बाकी देवीलाल के बराबर कोई नहीं, ओम प्रकाश चौटाला भी नहीं है। देवीलाल के नाम से खाया ओम प्रकाश चौटाला ने भी जितना आज तक राजनीति की है। मैं हट के सवाल करूंगा, ये ट्रैक्टर आपका है, उस पे एक केसरी निशान आपने लगाया? हाँ जी हाँ। तो इसका थोड़ा सा, इसका थोड़ा सा, जैसे हमारा किसान यूनियन के झंडे लगे हैं, अपने सरदार भाई जाते हैं, इसको देखकर निशान साहब को मैं गुरुद्वारे से लेकर आया, गुरुद्वारे से अपने अपने एक एकता बनाने के लिए, एकता बनाने के लिए लेकर आए जी हम। आपने ये जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा जी, ये राजनीति की भी और अपनी इन्होंने बात भी कही, अपना दुख भी बताया, थोड़ा सा हमें भी पता है जो ये सेवा की बात है जो कर रहे हैं। तो जो सिख धर्म है पूरी दुनिया को पता है, सिख धर्म से हमें थोड़ा सा सीखने का मौका मिला है, और धन्यवाद मोदी जी का इस मामले में कि हमारे भाई तो मिला दिया बिछड़े हुए कम से कम, और हम भी सीख रहे हैं। ये सच्चाई है जी, सारा हरियाणा आपसे सीख रहा है, जिसने भी चाहे आंदोलन की बात हो चाहे वो सेवा की बात हो, हम आपसे सीख रहे हैं और आपके साथ खड़े हैं। हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद, जो बोले सो निहालो। हम सिख भी हैं जी और कहीं मुसलमान भी हैं, हिंदू भी, हमारा धर्म कुछ नहीं है, इंसान बन जाए हम, और इंसान की और किसी भी तरह की सेवा की बात है, सिखों के मुकाबले कोई नहीं जी। प्रणाम करते हैं हम, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं हम आप सभी को, सभी सिखों को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। 7 तारीख को दिल्ली भी गए, बिल्कुल गांव ने जितना सहयोग दिया, राशन हम 2 लाख रुपए का इकट्ठा करके 3 ट्रालियां गई, हम देख आए लंगर में, हर लंगर में। सरकार तो प्रोपेगेंडा कर रही है, इनको चाइना से पैसा आ रहा है। नहीं जी नहीं, पूरे गांव का हम इकट्ठा करने वाले हैं जी। मेरे गांव ने 2 लाख रुपए इकट्ठा किया, 2 लाख रुपए पूरा राशन, मेरे पास वीडियो है, आप वीडियो देख सकते हो, पूरे गांव का सहयोग था, पूरे का। हम पूरी दुनिया में खुआ हुआ यू किसान, इन्हें किसी चीज की कोई कमी है के? अगर यह सरकार निवेड़ी रही तो हम आगे अपने अपने जोगी फसल बोया करेंगे, या सरकार अपने आप नहीं भूखी मर जाएगी। ये बात बहुत बहुत बड़ी बात कर, अपने आप भूखी मर जाएगी। भाई साहब का कहना है कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब अलग हुए थे और 26 नवंबर 2020 को इकट्ठे हो गए। हमारे भी ऐसे कर्म हो कि गुरु साहब की जो वाणी थी, जो उनके वचन थे, हम भी बहुत कुछ सीखना चाह रहे हैं, बहुत। बस ये आनंद है जी, बाकी तो दुख ही दुख हो गए हैं, लेकिन ये आनंद की बात है। बिछड़े हुए भाई मिल गए दो, ठीक है नहीं। पंजाब, पंजाब से हरियाणा निकला, ठीक है नहीं। हमारे पंजाब के मोदी ने, सेंटर सरकार ने टोटे टोटे कर दिए, यानी कि अब 20 में सारा इकट्ठा हो गया। इनकलाब बोले सो निहाल। बाकी मोदी ने इस गलत टाइम पर हमारे को मिला, कोई खुशी के टाइम पर हम ऐसे मिल दे ना वीर दोनों। बाकी दुख की घड़ी में मेरे बूढ़े बच्चे, जो भी गुजरग आदमी, सर्दी में वहां पर बैठे, मेरी माता जी वहीं से आई है, अभी बच्चे भी, निके निके बच्चे भी। अब मोदी साहब से हम ये कहेंगे, हमारे को खुशी में मिलाओ, हम हमारे को उसने अब मिलाया, बच्चे भी परेशान है, सब सर्दी में भी परेशान है, खुशी में मिलाता फिर और ज्यादा प्यार बढ़ता है। अब ये खुशियां बनी रहेंगी, मेरा भारत मुझे मिल गया आज, मुझे इसी भारत की तलाश थी। ये जो देश है, ये विभिन्न विभिन्न धर्मों जातियों का एक समूह है, मैं तो कहता हूँ एक गुलदस्ता है जिसमें तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, और आज वो भारत मेरे सामने खड़ा है, और मैं इस भारत को नमन करता हूँ, इसको प्रेम करता हूँ, और मैं भगवान से विनती करता हूँ कि ये भारत बना रहे, और इसके इसके पूरे जो निवासी हैं ऐसे ही, चाहे क्या है कि हम मुसीबत में एक साथ हो जाते हैं, जब हम हमारे पास खुशी होती तो हम थोड़ा सा आपस में फट जाते हैं, तो भगवान ना करे इसको नजर लगे, नजर ना लगे इन कलमुए नेताओं की, ताकि हम फिर से फट सकें। और ये जी, अब एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, बाद तक भी देखेंगे, जिसको भी इतिहास का जरा सा भी पता है, अंध भगत और भेड़ ना बने, थोड़ा इतिहास पढ़े। सिखों का तो तुम्हारी 7 पुस्तें भी कर्ज नहीं चुका सकती, 7 पुस्तें भी, याद रखो। आज अगर सिखों के साथ कुछ होता है तो डूब के मर जाओ सारा देश, बस, और ज्यादा कुछ। बहुत बहुत बड़ी बात भाई साहब ने कह दी, बहुत बड़ी भाई साहब ने बात कह दी, और उसमें क्या है कि जो सिख आइडियोलॉजी है वो हमारी नहीं है,
वो पूरी दुनिया की है, पूरी दुनिया के भाइचारे के भले के लिए है, क्योंकि कर लो ट्रैक्टर रोक लो। हाँ सही बात बोली आपने ना। तो मैं दलजीत सिंह रंजोत वीर दे नाल, कैमरामैन विश्व दे नाल, किहड़ा जगह जी, ये नांगल खेड़ी, नांगल खेड़ी नगारा टीवी कैनेडा दे लई। सो थैंक यू वेरी मच वीर जी।